हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 10 आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत माटी की मूर्तें रेखा चित्र के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस रेखा चित्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। राम वृक्ष बेनीपुरी भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार, महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार और संपादक के रूप में अविस्मरणीय हैं। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गद्य विधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की है, वे आज की युवा प्रौढ़ पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद बेनीपुरी जी ने कॉलेज त्याग दिया और निरंतर स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े रहे। उन्होंने अनेक बार जेल की सजा भोगी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिता दिए। समाजवादी आंदोलन से भी राम वृक्ष बेनीपुरी का निकट का संबंध था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से भागने में भी राम वृक्ष बेनीपुरी ने उनका साथ दिया और उनके निकट सहयोगी रहे। बेनीपुरी में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी थी, मानो देशभक्ति लहू के संग बहती हो। देशभक्ति में आजीवन वह चैन की सांस ना ले सके और संघर्ष करते रहे। जेलवास में भी वह शांत नहीं बैठ सके, बल्कि वहाँ भी आग भड़काने वाली रचनाएं लिखते रहे। जब भी वे जेल से बाहर आते, उनके हाथ में 2-4 ग्रंथों की पांडुलिपियाँ अवश्य होती थी, जो आज साहित्य की अमूल्य निधि बन गई है। रामधारी सेन दिनकर ने एक बार बेनीपुरी जी के विषय में कहा था कि स्वर्गीय पंडित राम वृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है, वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक एवं कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। वे 1997 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने अनेक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व भी किया। वे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक भी रहे। 1999 में भारतीय डाक सेवा द्वारा बेनीपुरी जी के सम्मान में भारत का भाषाई सौहार्द मानने हेतु भारतीय संघ के हिंदी को राष्ट्रीय भाषा अपनाने की अर्धशती वर्ष में डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। उनके सम्मान बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। आइए इनकी कृतियों को देखते हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं कारावास की ही कृतियां हैं, जैसे उपन्यास पतितों के देश में आम्रपाली, रेखाचित्र में माटी की मूर्तें आदि। उनकी अन्य रचनाएं हैं चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, शकुंतला, रामराज्य, नेत्रदान, गांवों के देवता, नया समाज, विजेता, बैजू मामा, विद्यापति की पदावली। आइए इस रेखाचित्र के मुख्य पात्र को देखते हैं। रजिया गांव की एक मुसलमान चूड़ी हारिन की लड़की, लेखक की बचपन की दोस्त। बलदेव सिंह लेखक के गांव के जाने माने पहलवान और सबसे जिंदा दिल आदमी। सरजू भैया लेखक के मुंह बोले बड़े भाई। मंगर
हलवाहा जो अपने काम के लिए कई गांवों में मशहूर था, मंगर की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण बुढ़ापे में बड़ा कष्ट झेलना पड़ा। रूपा की आजी गांव भर में टोनार लगाने के लिए मशहूर। लोग अंधविश्वास के चलते मानते थे कि यह अपने पूरे परिवार को खा गई। देव लेखक का बचपन का दोस्त जो आगे चलकर क्रांतिकारी हो जाता है। बाल गोविंद भगत जाति से तेली, तबीयत से भगत आदमी और कबीरपंथी। भौजी लेखक की भाभी जो बचपन के दिनों में लेखक से बहुत प्यार दुलार करती थी। संयुक्त परिवार टूटने के बाद पारिवारिक कलह होने पर भी भाभी स्वयं खड़ी खोटी बोलती थी, परंतु लेखक के लिए बुरा किसी और के मुंह से सुनती तो तिल मिला उठती। परमेश्वर लेखक के पट्टीदार नशे के चक्कर में घर बार बर्बाद कर डाला। बैजू मामा लेखक इनसे जेल में मिला। बैजू पूरे जेल के ही मामा थे। जेल में रहने की आदत हो जाने के कारण बार बार छोटी मोटी चोरी करके वापस आ जाते थे। वे 30 साल जेल में रहे। सुभान खां गांव के बहुत काबिल राजमिस्त्री जो कि मुस्लिम थे, सांप्रदायिक वैमनस्य का लेस मात्र नहीं। हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपनी मस्जिद में गाय की कुर्बानी नहीं होने दी। बुधिया लेखक जब किशोर था तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी। अत्यंत चंचल और शरारती लेखक कई सालों बाद बुधिया से मिलता है तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाता है। बुधिया की शादी हो चुकी है, जगदीश उसका पति है, उसके 3 बच्चे हैं और वह गर्भवती है। आइए देखते हैं उद्देश्य को। माटी की मूर्ति में संकलित सभी रेखाचित्र राम वृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं। इन रेखाचित्रों में राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा जो उनके अत्यंत प्रिय थे। लगभग हर व्यक्ति के बारे में बताते हुए अपने बचपन में चले जाते हैं। बचपन के दिनों में इन सभी व्यक्तियों के साथ बिताए हुए पलों का सजीव चित्रण करने के साथ साथ उस दौर की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भी उनके माध्यम से स्पष्ट करते चलते हैं। इन रेखाचित्रों के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन एवं चरित्र के श्वेत श्याम पक्षों को दिखलाते हुए मानवीय एवं नैतिक पक्षों को अधिक उभारा गया है। रेखाचित्रों में लेखक ने बचपन की स्मृतियों को महत्व दिया है और जवानी एवं आगे के जीवन के साथ उसकी तुलना की है। आइए देखते हैं इस रेखाचित्र के कथावस्तु को। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी में प्रकाशित राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखाचित्र संकलन है, जिसमें 12 रेखाचित्रों का संकलन किया गया है। इसमें ये माटी की मूर्ति नामक भूमिका के अतिरिक्त 12 रेखाचित्र हैं। पहला रजिया, दूसरा बलदेव सिंह, तीसरा सरजू भैया, चौथा मंगर, पांचवा रूपा की आजी, छठा देव, सातवा बाल गोविंद भगत, आठवां भौजी, नौवां परमेश्वर, दसवां बैजू मामा, ग्यारहवां सुभान खान, बारहवां बुधिया। जैसा कि वर्णित है कि उनकी अनेकों कृतियां जेल में रहते हुए तैयार हुई है, उनमें से एक माटी की मूर्ति भी है। बेनीपुरी जी ने ये माटी की मूर्ति नामक भूमिका में लिखते हैं कि हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्तें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में कुछ जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्तें तैयार होकर रही। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी पात में आ बैठे और अपनी मूर्त मुझसे गढ़वा ही ली। माटी की मूर्तें रेखाचित्र संकलन है, जिसमें बेनीपुरी जी ने अपने जीवन के कुछ विशेष लोगों के चित्र खींचे हैं जिन्होंने उनके जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। माटी की मूर्तें को व्याख्यायित करते हुए बेनीपुरी लिखते हैं कि ये मूर्तें ना इनमें कोई खूबसूरती है ना रंगीनी, ये माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसलिए जिंदगी के नज़दीक है, जिंदगी से सराबोर है, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, साप देती है, आशीर्वाद देती है। ये मूर्तें
किसी आसमानी अवतारी देवता की नहीं है, बल्कि किसी साधारण व्यक्ति की है जिन्होंने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण देवत्व प्राप्त कर लिया। गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। उनका व्यक्तित्व इतना खास था कि वे बेनीपुरी जी के स्मृतियों में हमेशा जिंदा रहे, जिन्हें वे कभी भुला नहीं पाए। वे कहते भी हैं कि ये मूर्तें जिंदगी के नज़दीक ही नहीं हैं, जिंदगी में समाई हुई है। आगे इस संबंध में बेनीपुरी लिखते हैं, ये कहानियाँ नहीं जीवनियाँ हैं, ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। इनकी जीवंत चित्रित मूर्तें खूब फली फूली और पाठकों के दिलों पर राज किया। वे स्वयं भी लिखते हैं कि हिंदी संसार ने उन्हें सिर आँखों पर लिया। यह मेरी कलम या कला की करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसका परिणाम है। अब आगे माटी की मूर्ति की 12 रेखा चित्रों के मुख्य बिंदुओं का सिलसिलेवार ढंग से वर्णन किया जा रहा है, जिसमें बेनीपुरी जी ने समाज के उपेक्षित पात्रों को गढ़कर नायक का दर्ज दिया है। रजिया। रजिया एक चूड़ीहारिन है। वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन से लेकर जवानी मरते दम तक इसी गांव में रही। लेखक और रजिया के बीच एक अलग सा अपनापन था जो उनके जीवन के अंतिम समय तक मौजूद रहा। बेनीपुरी रजिया को चित्रित करते हुए लिखते हैं, कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गुड़ाई, भर बाँह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, यह परिचय कभी ना भूलने वाला परिचय था। रजिया के पेशे की निपुणता को भी लेखक ने अनोखे अंदाज में पेश किया है। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हों, सस्ती टिकाऊ टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों के बनाव श्रृंगार रूप रंग नाजो अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं उनको भी मोह सके जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। बलदेव सिंह। बलदेव सिंह लेखक के मामा के घर के पहलवान थे। सुंदर सुडोल शरीर, ताकतवर, बच्चों सा निरीह स्वभाव, सबकी सेवा में सर्वदा प्रस्तुत, उन्हें देखकर आंखें निहाल हो जाती, आशीर्वाद बरसाती रहती थी। इसमें बलदेव सिंह की सामाजिक सेवा भाव, तजिए के दिन जवार की विधवा और बिसुनपुर में दो क्षत्रिय भाइयों की लड़ाइयों में उनकी पहलवानी, इंसानियत, उनके इंसाफ की झलक मिलती है। अंत में इसी इंसाफ की लड़ाई में बलदेव सिंह का धोखे से कत्ल कर दिया जाता है। इसका वर्णन करते हुए बेनीपुरी लिखते हैं, टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम्म से गिरता हुआ पाया, ज्योतिर्मय प्रकाशपुंज दीप्तिपूर्ण, और उसे तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला, हमें चकाचौंध में डाल वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। सरजू भैया। सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में एक मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़ हर वक्त सभी की सेवा में उपस्थित रहने वाले इंसानियत की प्रतिमूर्ति। उनका व्यक्तित्व अनुकरणीय ही नहीं, वंदनीय पूजनीय है। उनका चित्रण करते हुए बेनीपुरी लिखते हैं, गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगलेसी, बड़ी बड़ी टांगे, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछे डाले, जब वह खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डियों को गिन लीजिए, नाक खड़ी लंबी, भवे सघन, बड़ी बड़ी आँखें कोटरों में धसी, गाल पिचके, अंग अंग की सिराएं उभरी, कभी कभी मालूम होता मानो यह नसें नहीं
उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। कभी उनके पिता गुमास्ता जी थे, बड़े किसानों में से एक, परंतु पराए उपकार के चलते सरजू भैया ने ना सिर्फ अपना शरीर सुखा दिया है बल्कि अपनी संपत्ति की भी हानि की। जो भी दुखिया आया अपनी विपदा बताई, उसे देवता साथ दे दिया और वसूलने के समय जब आंखों में आंसू लाकर गिर गिराया तो देवता की तरह पसीज गए। सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे अब वह खुद हाथ हाथ फेर में व्यस्त रहते हैं। अंततः उन्हें खुद सूदखोर से कर्ज लेना पड़ा। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया का सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। मंगर एक हलवाहा है, परंतु एक स्वाभिमानी हलवाहा। इसका वर्णन पेनीपुरी कुछ इस तरह करते हैं। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा। मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। उसका खास कारण मंगर का यह हट्टा कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने चार चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा खेत जोतता, मंगर 15 कट्ठा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। मंगर का स्वभाव रूखा है, किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाई लपटाई नहीं, दो टूक बातें चौ टूक व्यवहार। वह अक्खर था, परंतु अपने काम, अपने अस्तित्व के प्रति सजग एवं ईमानदार था, इसलिए अब गांव में उसकी एक अलग ही पहचान थी। जहां गांव भर में हलवाई को एक रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती, जिसमें आधी रोटी के दो टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता है। रूपा की आजी के बारे में बेनीपुरी लिखते हैं, रूपा के आजी की सूरत, शक्ल लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफ़ेद बगा बग कपड़ा पहने रहती। उस सफ़ेद कपड़े के घेरे से उनका चेहरा रोब बरसाता, फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर लाली की एक हल्की छाया, पूरे बदन का ढांचा मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हो। जिस गाँव से वह आई है वहाँ लोग कहते हैं औरतों का ही राज है। रूपा की आजी के ससुराल आने के बाद उनके ससुर, पति, बेटे, बहू की मौत हुई और किसी न किसी रूप में सभी के मौतों की जिम्मेदार रूपा की आजी मानी गई। अब उन्हें लोग डायन कहने लगे और जब भी किसी को कुछ होता उसका जिम्मेदार रूपा की आजी होती। इस डायन को भोगने के लिए ओझा तांत्रिक आए, टोने तंत्र हुए, कई ओझे इसके लिए रुपये भी ऐंठते गए, किंतु रूपा की आजी जस की तस रही। लेखक लिखते हैं कि मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, नए ज्ञान ने भूत प्रेत पर से विश्वास हटाया, जादू टोने पर से आस्था हटाई, मैंने कहना शुरू किया। यह गलत बात है कि रूपा की आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई, उसका दिमाग ठीक नहीं, आँखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर दुलार कर जवानों को घूर घूर कर वह अपने जवान बच्चे को याद करती या उसे भूलने की कोशिश करती है। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं, जादू टोना सब गलत चीज़ है। आगे देखने को मिलता है कि शिवरात्रि का मेला एक औरत भागी जा रही है, अधनंगी अधमरी। मेले में आई एक युवती अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द का सौदा करने गई थी। सखी सीधे सरल स्वभाव की थी, बच्चा उंगली पकड़ छुड़ा कर झुंझुने वाले के पास पहुंच जाता है। जब उसका ध्यान बच्चे पर गया वह देखती है कि एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए झुंझुने दे रही है और मिठाइयाँ खिला रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा चीटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आँखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बाँह। उसे देखते ही वह चीख पड़ी डायन, जल्द ही भीड़ ने उस पर हमला किया, भागते हुए वह कुएं में गिर पड़ी।
और अब पड़ी थी बुढ़िया की लाश, रूपा की आजी की लाश। लेखक लिखते हैं, रूपा की शादी बड़ी धूम से की उसने सारी जायदाद बेचकर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वह घर छोड़कर चल दी। कहाँ कौन जाने, इतने दिनों तक वह कहाँ कहाँ की धूल छानती आज पहुँची थी इस मेले में। क्यों, क्या रूपा को देखने, उसके बच्चे को देखने, क्या वह रूपा का बच्चा था? उसने परिचय क्यों नहीं दिया? देव एक मस्त मौला, बेपरवाह, बहादुर, अपने उसूलों पर जिंदगी जीने वाला है। उसके चरित्र का वर्णन करते हुए बेनीपुरी लिखते हैं, जिसने जरा छेड़खानी की उससे उलझ गया, बात का जवाब हाथ से, ठोंगे का जवाब लाठी से। चाहे चौपाया भैंसा हो या दो पाया, जिससे भिड़ गया बिना नाथे नहीं छोड़ा। चाहे तपेसर भाई के बगीचे से विलायती अमरूद चुराने का साहस करना हो, या बगीचे के बीच की ठाकुर बाड़ी में गेहूं सांप मारने का जोखिम उठाना हो, उसने अपनी बहादुरी का अद्भुत प्रदर्शन किया था। देव के चरित्र पर अनेकों काला धब्बा लगाने वाले कहानियां थी, लोग उसे बदमाश बदचलन कहते थे। बेनीपुरी लिखते हैं कि देव में हमने हमेशा यह गुण पाया कि वह झूठ कभी नहीं बोलता। उनसे एक बार देव कहता है कि अच्छा कोई एक काम आप मुझसे कहिए जो मैं करूं, कोई अच्छा काम जो देश के लिए भी फायदे का हो। तो वे कहते हैं, ज़्यादा क्या करोगे, खादी पहनो। बेनीपुरी सन 1932 में 4500 लोगों के साथ पटना कैंप जेल में थे। वे लिखते हैं, एक दिन जब फाटक से एक परिचित सूरत को भीतर आते देखा, जब पता चला वह देव है, तब आश्चर्य और आनंद का ठिकाना ना रहा। मैं लेखक था, संपादक था, देशभक्त था, नेता था, अब फुर्सत कहाँ थी कि देव की कोई खोज खबर भी रखता। और देव जेल में, यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दरोगा ने मारते मारते देव को बेहोश कर दिया था, लेकिन उसने उफ तक ना की थी। वे लिखते हैं कि दिन की रोशनी में मैंने देव को अच्छी तरह देखा, देह पर अभी काले निशानों का दौरा दौरा था, किंतु उस काले निशानों वाली देह के अंदर जो आत्मा थी, उज्ज्वल ज्वलंत दिव्य ऊर्जस्वित। बाल गोविंद भगत कोई भगत नहीं थे। उनके बारे में बेनीपुरी लिखते हैं, बाल गोविंद भगत तेली थे, किंतु तेलियों में साधारण पाए जाने वाला काला रंग नहीं था। उनका मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से उठे रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंद चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीका की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। वे खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी साधु ही थे। कबीर को साहब मानते, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते और कबीर के पदों को गाते। आषाढ़ की रिमझिम हो, भादों की अंधेरी अधरतिया, कार्तिक आया नहीं कि प्रभातिया जो फागुन तक चला करती और गर्मियों में संझा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। गाते गाते कभी कभी पतोह के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। पतोह से ही आग दिलवाए और श्राद्ध की अवधि पूरा होते ही मायके भेजते हुए दूसरी शादी करने का आदेश दिया। उन्होंने आखिर तक नित्य धर्म का पालन किया। आखिरकार एक शाम उनकी जिंदगी की धागा टूट गई। भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। भौजी, बेनीपुरी जी भौजी का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं। वे लिखते हैं, भौजी आई, मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया,
भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थी, उनके अधर पर पूरा रस नहीं आया था। उनके अंग अभी पूरे भरे नहीं थे, लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं। इसे कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा। उनका वर्णन द्रविड़ आर्य रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था, वर्ण ही नहीं गठन भी। उन्नत ललाट, भवें उठी हुई पतली पतली, काले बालों में घुंघरालापन, जब उन्हें खोलती तब अजीब लहरदार मालूम होते वे गिरदाबों से भरी यमुना की धार। नाक ललाट के नज़दीक जाकर जरा चिपक सी गई, किंतु उसका अग्रभाग काफ़ी सुंदर, मोहक होंठ कुछ मोटे किंतु चुबक सा, रसीलापन इनके इस किंचित एब को ढक देता, और उन होठों के भीतर जो पंक्तिबद्ध सुंदर चमकीले दांत थे, जब भौजी हंसती सचमुच मोती झड़ने लगते। मुझे अपने बचपन में तो ऐसा ही मालूम होता था। थोड़े ही दिनों में भौजी ने अपने कार्य कुशलता सेवा सत्कार से सबको मोह लिया, सबको अपने स्नेह सूत्र में बांध लिया। दस बरस बाद एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं, आपस में बांट बखरा हो चुका है। लोगों के चूल्हे ही अलग नहीं हुए, दिल भी जुदा हो चुके थे। ना वह प्रेम भाव था, ना वह सील स्वभाव। जिस मुंह से कभी फूल झड़ते, अब उससे विष बुझे तीर निकलते। भौजी की गालियां अरे कलेजे को भी जैसे आर पार कर जाए, पेनीपुरी लिखते हैं। वह हमें गालियां देती, हमसे झगड़ा करती, हमारी ज़िंदगी हराम किए रहती, किंतु मान लीजिए वह बक झक कर रही हो कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने को कोई स्त्री बीच में टपक पड़ी और हमें खड़ी कोटी सुनाने लगी, फिर क्या भौजी झट उस पर उलट पड़ी। किसने तुम्हें कहा मेरे बीच में पड़ने को, वे बुरे हैं और तुम, हट मेरे सामने से। सूप हंसे छन्नी को जिसमें सहस्र छेद, मैं तुम्हें नहीं जानती, डायन कहीं की। वह इन झगड़े के बीच उनके घर आती और बच्चों को तेल काजल लगा जाती, उन्हें गोद में लेकर खिलाती। लेखक कहते हैं, आज भौजी नहीं रहे है, मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों की धर्म की माँ समझती है, और उन दोनों की शादियों में उसने क्या क्या ना किया। भौजी थी तो कलह थी, उनकी स्मृति ने उस कलह को स्नेह में बदल दिया है। परमेश्वर बड़ा गोरा चेहरा नौजवान है, पर पढ़ा नहीं, वह फिजूल खर्च आवारा है, सारे घर को बर्बाद कर दिया, कर्ज पर कर्ज किया, पुस्तैनी ज़मीन बेची, अपनी बीवी के गहने को बेचकर गांजा में फूंक दिया। उसने अपने परिवार की इज्जत में बट्टा लगाया, अपने घर वालों को संकट और कष्ट में डाला, और खुद भी फटेहाली में मारा मारा फिरता रहा। परमेश्वर बीमार था और अब गुजर गया। बेनीपुरी लिखते हैं, निसंदेह परमेश्वर आवारा था, किंतु उसकी आवारागर्दी एक ऐसी आग थी जो खुद को जलाती है लेकिन दूसरे को रोशनी और गर्मी ही देती है। उसके रहते त्योहारों में धूम मची रहती, होली हो या दशहरा हो, दिवाली, हर पर्वों में वह जान डाल देता था। उसके जाने के बाद भी त्यौहार तो मने, लेकिन उसमें वह बात नहीं रही। उसके रहते त्योहारों में अलग ही जोश, उल्लास और खुशी का माहौल बना रहता, जो कि अब नहीं है। बैजू मामा पटना जेल के बहुत ही पुराने और जाने माने कैदी थे। लगभग 30 वर्षों से वह जेल को आबाद किए रहे। उनके चेहरे या चाल ढाल से कहीं से भी उन्हें आप खूंखार या मुजरिम होने का कोई चिन्ह नहीं पा सकते हैं। वह हर बार एक ही अपराध में आते हैं, जिसमें आज तक एक या दो साल की कैद से ज़्यादा की सज़ा उन्हें नहीं मिली है, और वह चोरी। कभी वह एक अच्छे गृहस्थ थे, उनकी खेती थी, उन्हें एक बैल खरीदने की ख्वाहिश थी जिसके लिए वह गंगा पार जाते हैं, लेकिन शैतानी दिमाग ने उन्हें बैल चोरी करने पर मजबूर किया, और इसी में वह पकड़े गए और जेल की सजा हुई। अब लगातार वही 30 रुपये की अच्छे गाय और बैल की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में चोरी करते, अब वही ख्वाहिश 30 साल की सजा के रूप में वे काटते हैं। एक बार मामा खुद भी कहते हैं,
जब जब बाहर जाता हूँ दिन तो इधर उधर देखने सुनने में कट जाते हैं, लेकिन जो ही रात में सोने की कोशिश करता हूँ मालूम होता है इस जेल के ये सारे पेड़ पौधे मुझे बुला रहे हैं। एक बार की घटना है कि बैजू मामा की रिहाई की तारीख होली के दिन पड़ती है, जिस दिन साल भर में सिर्फ एक ही दिन जेल में पकवान बनते हैं। वह जमादार साहब से बहुत गिड़गिड़ा कर आरजू विनती करते हैं कि रिहाई की तारीख एक दिन बढ़ा दी जाए, लेकिन यह नहीं हो पाता। रिहा हो दिन भर बाहर इधर उधर काटते हैं, फिर रात में एक गाड़ीवान का बैल चुरा खुद चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं, ओ गाड़ीवान कैसा बेवकूफ सा सोया है और चोर तेरे बैल लिए जा रहा है, और फिर भागने का बहाना करते हैं। इस तरह वह फिर से जेल में पहुंच जाते हैं और सूखे पुए को बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। सुभान खान। सुभान दादा बहुत ही अच्छे मिस्त्री कारीगर थे। वह एक जिंदा दिल इंसान, प्यार करने वाले, मोहब्बत के रखवाले, बहुत ही खुशरंग इंसान थे। उनके शहद टपकाने वाले होंठ, नूरानी चेहरा, दिमाग में आला ख्याल, हृदय में प्रेम की धारा लहराती जो अपने पराए सबको समान रूप में शीतल करती और सींचती है। बेनीपुरी उनके बारे में लिखते हैं, लंबा चौड़ा तगड़ा है बदन इनका, पेशानी चौड़ी, भवें बड़ी सधन और उभरी, आँखों के कोनों में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई, सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में निमस्तीन, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमड़ौंदा जूता, चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झड़ता, भले मानसों के बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते वह। वह बच्चे के साथ बच्चे तो बड़े के साथ बड़े बन जाते, उनके पास आसपास हर कोई खुश होता। लेखक लिखते हैं, मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह यही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट से काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। सुभान दादा का चरित्र हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। वह हमें धर्म निरपेक्षता, भाईचारा, बंधुत्व आदि की शिक्षा दे जाते हैं। ईद बकरीद को ना सुभान दादा लेखक को भूलते थे, ना होली दिवाली को लेखक उन्हें। सुभान दादा का अरमान था हज पर जाना और मस्जिद बनाने का। वह हज जाते हैं और उनकी मस्जिद भी तैयार हुई, गांव के ही लायक को एक छोटी सी मस्जिद लेकिन बड़ा ही खूबसूरत। इस अवसर पर उन्होंने पूरे जवार भर को न्योता दिया और हिंदू मुस्लिम की इच्छा उनके सहूलियत के अनुसार दावत दी। शहरों से होते हुए जब हिंदू मुस्लिम के दंगे गांव में पहुंचे तो गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गायें बेचते रहे वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। जिनके शादी ब्याह पर्व त्यौहार बिना बाजे के नहीं होते, जो मुहर्रम की गमी के दिन भी बाजे गाजों की धूम किए रहते, अब वे ही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए एक मिनट की बाजे पर खून की नदियां बहाने को उतारू हो जाते हैं। सुभान दादा समझाते हैं कि मैं हज से आया हूँ, कुरान मैंने पढ़ी है, गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अरब में लोग दुम्मे और ऊँट की कुर्बानी अमूमन करते हैं, परंतु लोगों के ना मानने पर अपनी जान कुर्बानी करने पर उतारू हो जाते हैं और कहते हैं पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। बुधिया का दर्शन उसके बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापे, उम्र नहीं, समय की मारी तक हो जाती है। एक जिंदगी हमें जीवन के अनेकों रंग दिखला जाती है। उसके बारे में बेनीपुरी लिखते हैं, बुधिया एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल से ज़्यादा की क्या होगी, कमर में एक रंगे की खंडुकी लपेटे, जिसमें कितने
पैबंद लगे थे और जो मुश्किल से उसके घुटने के नीचे पहुँचती थी। समूचा शरीर नंग धर्म गर्द गुब्बार से भरा, सांवले चेहरे पर काले बालों की लटें बिखरी, जिनमें धूल तो साफ थी और जुएं भी जरूर रही होंगी। एक नाक से पीला नेटा निकल रहा, जिसे वह बार बार सुरकने की कोशिश करती। वह मिट्टी के खिलौने बनाती, जिसे दूल्हा दुल्हन के खेल खेलती है। जब बुधिया बड़ी हुई, वह पैबंद वाली बुधिया नहीं रह गई थी, बल्कि बहुत खूबसूरत हो गई और जब अब अनेकों गोपालों के बीच एक गोपी है। उसके अनेकों चाहने वाले हैं और उसका दिल उसके लिए धड़क रहा है। कुछ और समय बीतने के बाद लेखक की बुधिया से मुलाकात खेत में होती है, जहाँ गेहूं के बोझे बांधे जाने के बाद बचे हुए गेहूं के बालों को चार बच्चे और एक औरत इकट्ठा कर रही हैं। वह गुस्से में उस ओर आगे बढ़ते हैं, फिर सुनते हैं सलाम बाबू। देखने पर पता चलता है वह बुधिया है, बिल्कुल ही फटे हाल में, निर्जीव सी, परंतु सभी बच्चों पर प्यार बरसाती। माटी की मूर्तें संग्रह की रचनाओं में बेनीपुरी जी ने गांव की ज़मीन से उठाए गए कुछ अनगढ़ चरित्रों को ना केवल रंगत दी है, अपितु उनमें प्राण भी फूंक डाले हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। माटी की मूर्तें माटी की सजीवता का विहंगम चित्रण है। मूर्ति की जीवंतता एवं कलात्मकता व्यक्तित्व की शालीनता पर निर्भर करती है, जिसका प्रमाण यह रेखा चित्र संकलन है। इसको पढ़ते समय ऐसा एहसास होता है जैसे कि हम चलचित्र देख रहे हैं। हर एक पात्र जैसे खुद ही अपनी कहानी कह रहे हों। यह रेखा चित्र हिंदी साहित्य में अपना एक अलग प्रतिमान गढ़ चुका है। तो आइए देखते हैं इस रेखा चित्र के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। अगली पंक्ति, रज़िया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ी हारी ने हैं, हिंदू दर्जी है। अगली पंक्ति, उन दिनों हिंदू मुसलमानों को तनातनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। तजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी तजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहां नहीं। अगली पंक्ति, लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए चाहता है, आदमी आदमीपन को खो दे, वह जोंक खटमल नहीं चिल्लर बन जाए। अगली पंक्ति, यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। अगली पंक्ति, पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती है। अगली पंक्ति, भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। अगली पंक्ति, हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहूवन और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे सुअर और गेहूवन सीधा वार करते, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। अगली पंक्ति, तेली उस जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। अगली पंक्ति, बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं लिख किया, पतहु से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतहु के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। अगली पंक्ति, भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते, जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुनगी देख
देखता है उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी सिराओं का एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता है। अगली पंक्ति, खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दों सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही होती है। अगली पंक्ति, मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। अगली पंक्ति, वह किताब जज को यह हक कहाँ देती कि वह देखे कि अपराध क्यों किया जाए, क्यों किया गया, उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक, आदमी के कृत्य में परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है आदि आदि। फिर आदमी के भीतर जो इंसानियत है उसे उभरने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान देना तो उस किताब में जैसे हराम हो। अगली पंक्ति, मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह यही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सुभान खान सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। अगली पंक्ति, शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी, गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे।